मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल गुरुग्राम में हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में खरखोदा में लगभग 900 एकड़ भूमि पर मारुति का नया प्लांट स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है। इससे प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। मारुति उद्योग खरखोदा के अंदर 900 एकड़ जमीन, क्योंकि कुछ रेट्स की बातें चल रही थी, आज हमने फाइनल कर दिया है। 296 का रेट है, लेकिन एक स्पेशल प्रोविजन है 10% कंसेशन का, वो विद इन 45 डेज अगर पैसा देते हैं तो 10% रिबेट, इस तरीके से फाइनल हो गया है। और बाकी उनको कुछ कंसेशन हमने, जो हमारा SGST होता है उसमें रीइंबर्समेंट होती है, तो हमने 15 साल के लिए उनको SGST की रीइंबर्समेंट दी है, और ताकि वो उनको एक कंसेशन रहे। नया प्रोजेक्ट खरखोदा में उनका ये लगेगा और एक प्रकार का मजारा ऑटो उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग है, वो और आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदेश भर के गांवों के लिए फॉगिंग मशीनें वितरित करने की शुरुआत भी की। यह मशीनें प्रदेश के 5000 गांव में वितरित की जाएगी। देखिए, ये जो मशीनों का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 5000 फॉगिंग मशीनों का गांव-गांव में भेजेंगे, वो आज से भेजनी शुरू कर दी हैं। और चूंकि अभी जैसे मौसम भी इस टाइप का हो गया, जैसे डेंगू भी है, तो डेंगू के समय में जल्दी जल्दी बट जाए और इसका फॉगिंग का जो विषय है मच्छर मारने के नाते से काम आएगा, बीमारी ना फैले, पॉल्यूशन कम हो, एनवायरमेंट सुधरे, उसके लिए हम अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को उपकरण और मशीनें सब्सिडी पर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में काफी कमी आई है और प्रदेश में पराली जलाने के 183 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पंजाब में लगभग 3500 मामले सामने आए हैं।